तब सब अपने अपने घर चले गए, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। अगली भोर को वो फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास गए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा कर दिया। हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करके मार डालो। अब तेरा क्या कहना है? उन्होंने यीशु को परखना चाहा ताकि उस पर कोई दोष लगा सकें, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। और यीशु अकेला रह गया और वो स्त्री वहीं खड़ी रही। यीशु सीधा हुआ। वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? किसी ने नहीं प्रभु। मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना।